आइए अब हम देखते हैं कि इनसे होने वाले लाभ क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे संयुक्त लाभ की बात की गई है, तो सामाजिक लाभ और साथ ही साथ व्यावसायिक, दोनों प्रकार के लाभ यहाँ होते हैं जो कि इन कॉरपोरेशंस के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वित्तीय व्यवस्था के लिए स्वयं क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं हम कह सकते हैं, और जो ये लाभ अर्जित करते हैं उन्हें क्या करते हैं, ये सरकार के पास डिपॉजिट करते हैं, सरकार की कोष में इसे जमा किया जाता है। इनके जो आय और व्यय होते हैं, जो जैसे कि संयुक्त लाभ की बात कर रहे हैं, इनके जो आय और व्यय होते हैं ये जो सरकार के बजट में इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरा लाभ है वो कहता है निगम तथा सरकारी नीतियों में सामंजस्य। इन निगम तथा सरकार की नीतियों में सामंजस्य हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये जो निगम होते हैं वो अपने एजेंडे पे काम करते हैं, उनका एजेंडा जो होता है वो डिफरेंट होता है, सरकार का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो सरकारी नीति से कोऑर्डिनेट करके या तालमेल रखते हुए इन नीतियों का निर्माण किया जाता है और इन्हीं नीतियों के अनुरूप ये चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसकी अगला लाभ जो है वो है स्वायत्त संस्था, मतलब ये स्वतंत्र संस्था होती है अपने आप में, और इनका जो निर्माण होता है वो संसद और विधानसभा में, जैसे मैंने बताया, एक अधिनियम को पारित करने के बाद इनको, इन संस्थाओं की स्थापना की जाती है, जिनमें इनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं, इनके जितने भी प्रबंधन, संचालन शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, और सभी को क्या किया जाता है, इंक्लूड करके इन संस्थाओं का स्वतंत्र रूप से निर्माण किया जाता है और उनकी स्थापना की जाती है। इनमें जो चौथा लाभ बता रहे हैं, ये जो चौथा लाभ होता है ये मतलब समाज सेवा की जो भावना है, ये जो लाभ होता है इसका सर्वोपरि होता है, या इसका मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य भी यही होता है। शीघ्र निर्णय यहाँ पे जो होता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है और इनको विभिन्न, इनके जो कार्य हैं उनको विभिन्न अधिकारियों के टेबल से होकर नहीं गुजरना है, या उनको एक प्रॉपर चेन जो दिए गए हैं कि शक्तियों केंद्रीकरण में जब हमने बात की थी उस तरीके से कार्य नहीं करना है, इनका खुद का एक कॉरपोरेशन होगा, उसी कॉरपोरेशन में जो होंगे सभी लोग काम करेंगे, और इनका जो निर्णय होगा किसी भी एजेंडे में वो उनका खुद का निर्णय होगा। यहाँ पे क्या होगा, सरकार की जब बात आती है या मंत्रालय की बात आती है तो यहाँ पे उनका किसी भी तरह का हस्तक्षेप न होने के कारण किसी भी एजेंडे पे अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो यहाँ पे शीघ्र निर्णय लिया जाता है। फिर बात आती है संचालन में स्वतंत्रता। अब चूंकि यह एक ऐसी एंटिटी है जो कि डिफरेंट है, या हम कह सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पृथक वैधानिक इनकी अस्तित्व है, इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या होता है, संचालन की जो है स्थिरता पाई जाती है, स्वतंत्रता पाई जाती है, ये स्वयं अपने आप पर वित्तीय रूप से निर्भर करते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये सारी चीज़ें इन संचालन में स्वतंत्रता वाले बिंदु के अंतर्गत आते हैं। जो नेक्स्ट हम देखते हैं लाभ, अधिक स्थायित्व। अब क्या होता है, ये जो कॉरपोरेशन होते हैं अधिक स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन ऑल टोटल ये क्या करते हैं, जन सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, और ये जो होते हैं अधिक से अधिक लाभ अर्जित करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो कॉरपोरेशन है उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। फिर जो अंतिम लाभ है वो है विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ। अब इसमें क्या होता है, जो हाई लेवल पे अथॉरिटीज़ बैठी रहती हैं वो लोग जो होते हैं बहुत ही सीनियर होते हैं, वो लोग बहुत अपने फील्ड में विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, तो उनकी जो सीनियरिटी है और उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं उनकी सेवाओं का लाभ भी इनमें उठाया जाता है डिसीजंस लेते समय, या किसी एजेंडे पे जब निर्णय लिया जाता है उस समय, तो इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होता है वो इन लाभों से क्या होता है, संयुक्त होता है, या इन लाभों से बना हुआ था, या इन पब्लिक कॉरपोरेशंस में इस तरह के लाभ पाए जाते हैं। बच्चों अभी हमने जो है वैधानिक जो निगम है उसको समझा, उनकी परिभाषाएं देखी, उनमें कौन कौन से उपक्रम हमारे देश में इंक्लूडेड हैं हम उनको जाना,
साथ ही साथ हमने उसकी विशेषताओं और लाभ के बारे में जाना। आइए अब हम जानते हैं कि अब इनकी दोष या इनकी हानियाँ क्या हैं। आइए अब हम इसके कुछ दोष जानते हैं कि लोक निगम के दोष क्या हैं। देखिए बच्चों, अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही। कुछ हम बात करते हैं जिनको हम एडवांटेजेस में लिया हमने, हो सकता है कि उनको क्या कर दिया जाए, ओवरलैप कर दिया जाता होगा या उनको दरकिनार करके दोषों को सामने लाया जा रहा है। यही दोष हम अब इनके बारे में चर्चा करेंगे कि वो दोष हैं क्या। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पहला दोष है वो कहता है निजी हित या कुशलता का अभाव। जैसे कि आपने जाना है कि ये जो लोक निगम है या पब्लिक कॉरपोरेशन हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो होता है इसकी जो हम उद्देश्य मान सकते हैं या इसकी जो स्थापना की गई है वो जन सेवा के लिए की गई है, ये निश्चित है। अब यहाँ पे क्या होता है, चूँकि इसका उद्देश्य ही वही है तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उनको उसमें कोई निजी हित दिखता नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर उससे जो कॉरपोरेशन को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इस पर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आखिरकार है तो किसी भी तरीके से एक अधिकारी या कर्मचारी जो कि सरकारी जो कॉरपोरेशन बने हुए हैं, जो कि निजी तौर पर अपने आप को चला रहे हैं। यहाँ पे स्वामित्व जो है सरकार के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं चूँकि इनके द्वारा ही लिए जाते हैं, तो इनको होने वाली जो हित हैं और हानियाँ हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर इनके कार्यों में कुशलता का अभाव पाया जाता है। फिर दूसरा दोष पाया जाता है वो है स्वतंत्रता का सीमित होना। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता कैसे सीमित हो जाएगी, यहाँ पे जो मंत्री होते हैं, कभी कभी संसद की भी यहाँ पे हस्तक्षेप पाया जाता है इनके कार्यों में। अब अगर जब इनका हस्तक्षेप पाया जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि इनके मैनेजमेंट में भी कभी कभी क्या हो जाएगा, इन चीज़ों का या इन लोगों का हस्तक्षेप होगा, तो यहाँ पे उनकी जो स्वतंत्रता होती है वो सीमित हो जाती है। अगला बिंदु या अगला दोष है एकाधिकार का दोष। चूँकि ये जो कॉरपोरेशंस हैं वो एकाधिकार के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं या कार्य करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो एकाधिकार का दोष होता है वो अपने आप डेवलप हो जाता है। फिर बात आती है सेवा उद्देश्य को अनदेखा करना। अब यहाँ पे उनको कुछ निजी हित दिख नहीं रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे कमाना या ज़्यादा से ज़्यादा खुद का स्वार्थ, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो उस वजह से जो सेवा का उद्देश्य है वो उनको अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रेरणा का अभाव है, किसी भी तरह की प्रेरणा का अभाव उनको मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे सेवा का जो उद्देश्य है उनको अनदेखा कर दिया जाता है। फिर बात आती है परिवर्तन कठिन। अब यहाँ पे अगर किसी कॉरपोरेशन में चेंजेस की आवश्यकता है, लेकिन उन कॉरपोरेशन में चेंजेस लाना बहुत कठिन है, क्योंकि आपने जो जाना है कि उनकी स्थापना के समय उनकी स्थापना कैसे होती है, है ना, विधानसभा और संसद में जो अधिनियम बनाए जाते हैं उसके अंतर्गत उनकी स्थापना की जाती है, साथ ही साथ उसमें उनके प्रबंध संचालन नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है, उनको किस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे और किस प्रकार की नीति एवं नियम बनाई जाएंगी, किस मंत्रालय से किस प्रकार के उनके रिलेशंस रहेंगे, सारी चीज़ों को उनमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं इन कॉरपोरेशंस में, तो चेंजेस लाना बहुत कठिन है, क्योंकि उन पहले के जो अधिनियम बने हुए हैं उन अधिनियम में चेंजेस लाना पड़ेगा, उसके बाद ही इन कॉरपोरेशंस में या इन निगमों में परिवर्तन को लाया जा सकता है। जो छठवीं हम बात करेंगे वो है अंकेशन संबंधी कठिनाइयाँ, यानी ऑडिट। ऑडिट की बात कर रहे हैं तो इनका लेखा जोखा देखना, कितना खर्च हुआ, मतलब आय व्यय सब कुछ देखना, क्योंकि ये जो है सरकार के बजट में इनको शामिल किया जाता है, तो कुछ समितियाँ हैं उनको इनका अंकेशन करने का पूरा अधिकार है, जैसे कि संसद की सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकलन समिति, पत्रकलन समिति, सार्वजनिक उद्योग समिति, ये जितनी भी समितियां हैं उनको इनका अंकेशन करने का पूरा अधिकार है। तो ये जो हैं कुछ जो दोष थे आपने जाना। बच्चों अब आपने क्या देखा कि
लोक निगम की विशेषताएं देख ली, उनकी जो होने वाले लाभ हैं या उनसे मिलने वाले लाभ हैं उनको जाना, उनके दोषों को भी जाना। तो अगर हम उनकी उपयोगिता की चर्चा करें तो यहाँ दो उपयोगिता सामने आती है। पहली उपयोगिता कि ये जो निगम है वो सार्वजनिक हित को सर्वोपरि मानते हैं, और दूसरी कि यहाँ अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है इसलिए इन कॉरपोरेशंस की स्थापना की जाती है। अब तक आपने राजकीय उपक्रम के स्वरूप में दो स्वरूप देखे, पहला विभागीय स्वरूप यानी डिपार्टमेंटल, और दूसरा अभी आपने जिसके बारे में चर्चा की वह है सार्वजनिक या लोक निगम। अब हम तीसरे जो स्वरूप है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं जिसे कहते हैं सरकारी कंपनी। आइए अब जानते हैं कि इनकी स्थापना कैसे होती है या इनका निर्माण कैसा होता है। जो सरकारी कंपनी है उसमें नाम से ही स्पष्ट है ये कि इनमें जो प्रबंध होगा या संचालन होगा ये किसके अंडर में होगा, सरकार के अंडर में होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इनमें जब भी या ये जो कॉन्सेप्ट है किस पे बेस्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये चुकता अंश पूंजी पर बेस्ड है। मतलब इनमें जब भी इस तरह की कंपनी का निर्माण किया जाएगा तो वहाँ पे चुकता अंश पूंजी का 51 मतलब 51% जो भाग होगा वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अंशतः केंद्रीय सरकार या अंशतः राज्य सरकारों के हाथ में होगा, और बाकी किसके हाथ में होगा, जनता के हाथ में। मतलब 51% के शेयर होल्डर्स कौन हुए, केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार। और इसमें बात आती है कि ये जो सरकार है एक अंशधारी बन जाते हैं, तो वह एक अंशधारी की तरह कार्य करने लगते हैं, मतलब मंत्रिमंडल में या अगर कोई इसके अंतर्गत डिसीजंस लिए जाते हैं तो यह एक अंशधारी की तरह अपने समस्त अधिकारों का उपयोग करते हैं। इसमें एक बात और होती है कि यदि स्थानीय सरकार हैं उनके द्वारा 51% की अंश पूंजी अगर उनके द्वारा ली जाती है तो वो जो कॉरपोरेशंस होते हैं या वो कंपनियां जो होती हैं वो सरकारी कंपनी के अंतर्गत नहीं आती, और इनकी भी स्थापना जो है वो या इनका भी पंजीकरण जो है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या 1956 के अंतर्गत इनका पंजीयन होता है। तो इस तरीके से जो हमने जाना सरकारी कंपनी का पंजीयन होता है। आइए अब देखते हैं कि सरकारी कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। वैसे तो सरकारी कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी, जिसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा स्वामित्व किसका होगा, सरकार का होगा। दूसरी जो है मिश्रित स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी, इसमें क्या होगा 51% का जो शेयर्स होगा वो किसका होगा या अंश होगा वो सरकार का होगा और बाकी का बचा हुआ जनता का होगा। मतलब होल सोल ओनरशिप कौन किसके पास आई, होल सोल जो ओनरशिप आई वो सरकार के पास आई। अब इनकी विशेषताओं को जानते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है, लेकिन उनकी विशेषताओं को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन सरकारी कंपनियों में भारतीय कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहली कंपनी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स, फिर आती है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, फिर आती है भारतीय राजकीय व्यापार निगम, फिर कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, मैसूर शुगर कंपनी, और उसके बाद है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो बच्चों ये जो कुछ कंपनियां हैं वो जो है सरकारी कंपनियों के अंतर्गत इनका उल्लेख है या इनकी स्थापना की गई है। आइए अब हम विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि इनकी कौन कौन सी इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। जो पहली विशेषता है वो कहती है स्थापना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो स्थापना की बात कर रहे हैं इसमें 51% जो भाग होता है वो सरकार के द्वारा या सरकार का अंश होता है, और इनकी स्थापना जो होती है संसद द्वारा अधिकृत होती है। इनमें जो पंजीयन की बात कर रहे हैं हम, पंजीयन जो अधिनियम बना था 1956 उसके अंतर्गत इनकी स्थापना की जाएगी। ये पंजीयन मुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस पंजीयन से जो छूट मिलेगी वो संसद द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। फिर बात करते हैं स्वामित्व की। चूंकि इसमें जो है 51% अंश जो है सरकार का होता है इसलिए स्वामित्व किसका हुआ, सरकार का हुआ। फिर बात आती है प्रबंध की।
जिसमें प्रबंध होता है संचालक मंडल द्वारा तय किया जाता है। इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसकी प्रबंध की व्यवस्था करते हैं या उसमें किस तरह का प्रबंध मंडल होगा यह तय किया जाता है। वित्त व्यवस्था, इसमें जो वित्त है वो सरकार व जनता दोनों से ही उसकी व्यवस्था की जा सकती है। और जहाँ तक नियुक्तियों की बात करते हैं तो इसमें जो नियुक्तियाँ होती हैं वह स्वयं की सेवा शर्तों के अधीन होती हैं। मतलब इनमें जो नियुक्तियाँ होती हैं वह अपनी शर्तों के बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, इसमें स्टाफिंग करते हैं या अपॉइंटमेंट्स करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या जाना कि सरकारी कंपनी होती क्या है, उसकी स्थापना कैसी होती है, कौन कौन सी भारतीय कंपनियां जो हैं वो सरकारी कंपनियों के अंतर्गत आती हैं और जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें किस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए अब सरकारी कंपनियों से होने वाले लाभ व दोषों की चर्चा करते हैं। बच्चों आइए हम देखते हैं कि इन सरकारी कंपनियों से प्राप्त होने वाले लाभ क्या हैं या इनके क्या लाभ हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़। तो पहला लाभ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है मूल उद्योगों का विकास करना। अब बच्चों मूलभूत उद्योगों का विकास करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, व्यवसाय का भी विकास होगा तथा आर्थिक रूप से देश क्या है, स्ट्रॉन्ग भी होगा। अगर यहीं पर निजी कंपनियों की बात करें तो निजी कंपनियां जो हैं इतनी पूंजी जो है नहीं लगा सकती, इसीलिए यहां पर क्या होता है इन गवर्नमेंट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट होता है या ये जो सरकारी कंपनियां हैं यहां पर इनसे लाभ प्राप्त होता है और इसीलिए इनके अंतर्गत ही सरकारी कंपनियों की जो स्थापना की जाती है। अगला लाभ कहता है कि शीघ्र निर्णय। यहाँ पर क्या होता है कि जो अनावश्यक औपचारिकताएं होती हैं और जो लाल फीताशाही की जो मैंने बात की थी उस तरह की जो चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, उस कारण से यहाँ शीघ्र निर्णय लेना आसान हो जाता है। तीसरा जो लाभ कहता है वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साधन होते हैं क्योंकि इनसे होने वाले लाभों को जो है राजकीय कोषों में दिया जाता है और देश की आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत होती है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर मूल उद्योग की स्थापना तथा उनके विकास की बात हमने की थी जो कि सरकारी कंपनियों में ही पॉसिबल है। फिर बात आती है औद्योगिक विकास में सहायक। अब अगर हम देखें तो जो निजी कंपनियां हैं वो निजी हित को सर्वोपरि मानती हैं या निजी लाभ के लिए ही कार्य करती हैं, लेकिन जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो निजी हित पर कार्य नहीं करती, वो सामाजिक लाभ पे बात करती हैं, व्यावसायिक लाभ की बात करती हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है औद्योगिक विकास में ये सहायक होती हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है कि इनकी स्थापना जो सरल होती है, अधिनियम 1956 के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई थी और पर्याप्त स्वतंत्रता तथा लोच, इनमें अगर हम बात करें कि इनमें जो है सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है या सरकारी हस्तक्षेप ना होने के कारण इनमें जो कार्य के लिए निर्णय लिए जाते हैं वो अति शीघ्र हो जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें कार्य करने की या कोई भी कार्य से रिलेटेड जो निर्णय होते हैं, कार्य से संबंधित जो निर्णय होते हैं उन्हें लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं कि समय अनुसार जिस तरह के निर्णय लेने ज़रूरी हैं वो उस तरह के निर्णय ले सकते हैं। अगला जो अंतिम लाभ है वो कहता है निजी भागीदारी का लाभ। अब इसमें क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि उद्योगों से या व्यावसायिक इकाइयों से अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो ये जो सरकारी कंपनियां हैं उस लाभ को बढ़ाने के लिए क्या कर सकती हैं, या हम अगर कह रहे हैं कि अगर व्यवसाय से या सरकारी कंपनियों के अंतर्गत जो व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना की गई है उनसे लाभ प्राप्त हो रहा है तो उनसे और अधिक मात्रा में जो है लाभ कमाने के लिए ये क्या करती हैं, जो निजी क्षेत्र के पेशेवर प्रबंधक होते हैं उनको संचालन मंडल में उनको क्या कर लेती है, इन्वॉल्व कर लेती है, उनके एक्सपीरियंस और जो विशेषज्ञता है उनका क्या करती है, लाभ उठाती है।
तो बच्चों कुछ ये लाभ थे गवर्नमेंट कंपनीज के जो आपने जाने और हमने चर्चा की। आइए अब देखते हैं कि इन गवर्नमेंट कंपनीज के दोष क्या हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो जो हम डिसएडवांटेजेस की जब बात करते हैं तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता। अब इसमें जब अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो चूँकि इसमें 51% भाग सरकार का होता है, साथ ही साथ क्या होता है, बाकी भाग जनता का होता है, तो यहाँ पर जो इनके प्रबंधन नियंत्रण और संचालन की स्वतंत्रता में थोड़ी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर जो संचालन मंडल में अधिकारी होते हैं ये सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं, जो कि प्रबंध में कभी कभी ऐसा होता है कि उतने कुशल नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पे संचालन जो है स्वतंत्र होने के बाद भी सही तरीके से नहीं हो पाता। फिर बात आती है नीतियों में स्थायित्व नहीं, इनकी नीतियों में भी कभी कभी स्थायित्वता नहीं पाई जाती है। फिर बात आती है पेशेवर कुशलता की कमी, जैसे कि मैंने बताया कि इनके जो अधिकारी होते हैं वो सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या उनकी नियुक्तियां की जाती हैं, अब चूँकि वो समय अनुसार क्या होते हैं, उनका ट्रांसफ़र होते रहता है, तो हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट पे काम करने लगता है, तो जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे जो पेशेवर की कुशलता की कमी पाई जाती है। फिर बात आती है सार्वजनिक जवाबदेही का भय। अब जब इनको संसद में जो वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना पड़ता है तो जो रिस्क टेकिंग फैक्टर एक मैनेजर या मैनेजमेंट का होना चाहिए, जो रिस्क लेकर के एक एंटरप्रेन्योर या मैनेजर क्या करता है कि किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेता है, क्योंकि वो रिस्की होता है तो वो उसको लेता है, यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो संसद में प्रस्तुत करनी है, इस वजह से ये रिस्क टेकिंग फैक्टर जो है इसको ये लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस तरह के निर्णयों से बचते हैं, तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे सार्वजनिक जवाबदेही का भय सामने आता है। अगला जो दोष है वो कहता है जनता में संदेह। अब जनता में संदेह क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है सारे कार्य गोपनीय रूप से होते हैं, इवन जो इनमें नियुक्तियां भी होती हैं वो गोपनीयता के आधार पर या गोपनीय रूप से की जाती हैं, जिससे जनता में इनके कार्य करने के तरीके पर संदेह उत्पन्न हो जाता है। फिर बात आती है अप्रभावपूर्ण नियंत्रण। अब जो सरकारी कंपनी है संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ठीक है, तो सरकार के जो क्रॉम्पलेट या ऑडिटर जनरल होते हैं वो इनके आय व्यय को क्या ऑडिट नहीं कर सकते, यहाँ अंकेशन की जो बात की थी हमने वो अंकेशन नहीं किए थे, जिस वजह से यहाँ पर जो इनका प्रबंध है वो सुचारू रूप से नहीं चलता है और उनका जो नियंत्रण होता है इन कंपनियों में अप्रभावपूर्ण पाया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने गवर्नमेंट कंपनीज के कॉन्सेप्ट को जाना, कौन सी कंपनीज इस या कौन से उपक्रम इन कंपनियों के अंदर आते हैं उनको जाना, उनकी विशेषताएं जानी, उनके लाभ जाने, साथ ही साथ उनके दोषों को जाना। आइए अब इन सब को जानने के बाद उनकी उपयोगिता की चर्चा कर लेते हैं कि उनकी उपयोगिता कहाँ पर है। उपयोगिता की जब बात कर रहे हैं तो सरकार के साथ जब निजी भागीदारी की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर इन सरकारी कंपनियों की उपयोगिता होती है। आर्थिक गतिविधियों को जब बढ़ावा देना होता है तो यहाँ पर भी सरकारी कंपनियों की उपयोगिता होती है, और जहाँ पक्षकारों के हित खतरे में होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है इनकी उपयोगिता होती है, और जहाँ पर सरकार की इच्छा एक नए उपक्रम को स्थापित करने, निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने की होती है वहाँ पर भी क्या होती है इनकी उपयोगिता होती है। तो बच्चों हमने इन तीनों स्वरूपों को डिटेल में जाना है, आइए अब हम इनके बीच के अंतर को विस्तृत रूप से जानते हैं और समझते हैं। विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस पब्लिक एंटरप्राइजेस। अंतर का पहला आधार लेते हैं हम स्थापना यानी फॉर्मेशन। तो विभागीय उपक्रम में देखते हैं जो स्थापना होती है सरकार द्वारा एक सरकारी विभाग के रूप में होती है, और सार्वजनिक निगम यानी पब्लिक कॉर्पोरेशंस की बात करें तो इसमें स्थापना
संसद अथवा राज्य विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा होती है। और सरकारी कंपनी में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होती है। दूसरा अंतर का आधार स्वामित्व यानी ओनरशिप लेते हैं, तो विभागीय उपक्रम यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखें तो स्वामित्व जो होता है पूर्णतः सरकारी स्वामित्व होता है, और सार्वजनिक निगम में देखें यानी पब्लिक कॉरपोरेशंस में तो अनिवार्यतः पूर्ण सरकारी स्वामित्व होता है, और सरकारी कंपनी में कम से कम 51% यानी 51% सरकारी स्वामित्व होता है। तीसरा अंतर का आधार प्रबंध यानी मैनेजमेंट लेते हैं तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखेंगे तो यहाँ प्रबंध जो होता है संबंधित मंत्रालय द्वारा होता है। सार्वजनिक निगम यानी पब्लिक कॉरपोरेशन में देखेंगे तो मनोनीत संचालकों द्वारा होता है जो इसकी सरकार द्वारा होते हैं मनोनीत, और सरकारी कंपनी की बात करें तो यहाँ जो प्रबंध होता है निजी व्यक्ति भी संचालक हो सकता है। चौथा अंतर का आधार हम लेते हैं वित्त संसाधन यानी फाइनेंसिंग, तो विभागीय उपक्रम में देखें तो पूर्णतः सरकार द्वारा सामान्य बजट के माध्यम से जनता से ऋण लेने पर प्रतिबंध, और सार्वजनिक निगम की बात करें तो पूर्ण सरकारी पूंजी लेकिन जनता से ऋण लेने पर प्रतिबंध नहीं, और सरकारी कंपनी की बात करें तो सरकार व जनता दोनों से पूंजी व ऋण प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा अंतर का आधार नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स लेते हैं तो विभागीय उपक्रम में देखें तो सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के रूप में होते हैं। सार्वजनिक निगम में देखें तो नियुक्तियां निगमों द्वारा स्वयं के नियमों के आधार पर होती हैं, और सरकारी कंपनी में देखें तो नियुक्तियां जो होती कंपनियों द्वारा स्वयं के नियमों के आधार पर की जाती हैं। छठवां अंतर का आधार हम लेते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व, तो विभागीय उपक्रम में पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह सार्वजनिक निगम में पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, और सरकारी कंपनी में भी पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। सातवां अंतर का आधार लेते हैं प्रशासनिक स्वतंत्रता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी, तो विभागीय उपक्रम में प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं है, सार्वजनिक निगम में कुछ प्रशासनिक स्वतंत्रता है, और सरकारी कंपनी में अधिक प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है। आठवां अंतर का आधार हम उपयोगिता लेते हैं तो विभागीय उपक्रम में देखते हैं जहां गोपनीयता आवश्यक व निजी भागीदारी शून्य होती है। सार्वजनिक निगम में देखते हैं तो इसकी उपयोगिता जहां सार्वजनिक हित सर्वोपरि हो व अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, और सरकारी कंपनी में देखें तो विशेषकर जहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना हो वहां इनकी उपयोगिता होती है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स लेते हैं तो अगर हम विभागीय उपक्रम के एग्जाम्पल लें तो डाक तार विभाग, भारतीय रेलवे, युद्ध सामग्री कारखाना इत्यादि, और इसके बाद अगर हम सार्वजनिक निगम की बात करें तो जैसे LIC, RBI, FCI, IDBI, ONGC इत्यादि, जैसे कि मैंने आपको जब इनकी पूर्ण रूपे चर्चा कर रही थी उसमें इसके फुल फॉर्म्स बताए थे, आप उनसे भी समझ सकते हैं। और अगले हम एग्जाम्पल से उदाहरण की बात करते हैं सरकारी कंपनी में तो कोल इंडिया होती है, HMTS होता है, HSL होता है, STC होता है, तो ये सारे इनके उदाहरण हुए। तो बच्चों इस तरीके से आपने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन जाना।